नमस्कार तो स्वागत है आप सबका जेवीज़ के इस डेली द हिंदू न्यूज़ एडिटोरियल एनालिसिस में सेकेंड सितंबर 2024 के आज के अगर हम एडिटोरियल्स को देखें जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं द हिंदू के तो इंडियाज़ नेबरहुड वॉच पास्ट एंड प्रेजेंट तो इसमें पूरा एक एनालिसिस दिया गया है कि कैसे जो बांग्लादेश में सिचुएशन है वैसी ही सिचुएशन इंडिया के लिए म्यांमार बांग्लादेश और बाकी की कंट्रीज में भी नेबरिंग कंट्रीज में भी देखने को मिली चाहे वो नेपाल की सिचुएशन हो चाहे वो मालदीव्स की सिचुएशन हो तो उसका पूरा एनालिसिस इन्होंने किया है कि 2008 से 10 तक के पीरियड में कैसे सारी चीज़ें इंडिया के फ़ेवर में थी लेकिन बाद में कैसे ये चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट होने लगी इसी तरह से अ क्राइसिस इन वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन दैट नो वन टॉक्स अबाउट तो इसमें सूडान के क्राइसिस की बात की गई है कि कैसे सूडान में जो क्राइसिस चल रहा है इतने सालों से वो कैसे अनफोल्ड हो रहा है और उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और बाकी के जो नेबरिंग देश हैं जो सेवन कंट्रीज़ सूडान को नेबर करती हैं जिनकी बाउंड्री सुडान से लगती हैं उनका कौन सी फैक्शन की तरफ कौन से गुट की तरफ रुख है जैसे कि लिबिया का किसकी तरफ रुख है तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है ये जो दो एडिटोरियल्स हैं ये महाराष्ट्र की एक तो राइवलरी पे बात कर रहा है पॉलिटिकल राइवलरी पे, और ये यूएसए के टेनिस के ऊपर एडिटोरियल आधारित है तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है तीसरा जो एडिटोरियल आज के एनालिसिस में हम देखेंगे रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इसमें एन और कॉलेजियम सिस्टम को डिस्कस किया गया है तो इस एडिटोरियल से आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसका पी जो है वर्ड डॉक्यूमेंट और इसका लाइव वीडियो आप हमारी नई एप्लीकेशन जेवीज एडू नाम से जो एप्लीकेशन है जिसका लिंक इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है या फिर इस क्यू कोड को आप स्कैन करके भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी इस नई एप्लीकेशन पे काफ़ी सारे कोर्सेज फ्री और लाइव कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रीमियम कोर्सेज ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पा सकते हो एम बेस्ड ऑन द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस अदरवाइज टेस्ट सीरीज मैगजीन ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पा सकते हैं जेवीज एडू नाम की इस एप्लीकेशन पर तो आगे बढ़ते हैं विदाउट मच अडू मोटिवेशन कोट आज का एपीजे अब्दुल कलाम सर की तरफ से डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन the सेकेंड मोर लेप्स आर वेटिंग टू say दैट योर फर्स्ट विक्ट्री was जस्ट लक तो हर बार ऐसा होता है कि जब कभी कोई खिलाड़ी कोई मेडल पहली दफा जीत जाता है या दूसरी दफा हार जाता है तो उसके ऊपर ये बातें उठती हैं कि पहली दफा जो उनकी सक्सेस थी वो एक तुक्का थी वो एक लक का मैटर था ऐसा प्रिलेम्स क्वालिफाई करने वाले लोगों पर भी कहा जाता है कि इसका प्रिलेम्स हो गया लेकिन मेन्स नहीं होगा तो आपको ठोस तैयारी करके चलना है एकदम सॉलिड तैयारी के साथ में जाना है और ये नहीं सोचना कि एक बार जीत मिल गई आई बन गए तो फिर ज़िंदगी सेट है क्योंकि जैसे ही आप कॉम्प्लेसेंट होंगे तो पहली विक्ट्री पे ही सवालिया निशान लगा दिए जाएंगे तो इस तरह से क्रिटिक्स जो है ना वो बहुत अच्छा काम करते हैं हमें इंस्पायर करते रहते हैं मोटिवेट करते रहते हैं टू गिव आर बेस्ट नॉट टू गिव अप दी वेपन्स तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखें कि पहली विक्ट्री आखिरी विक्ट्री नहीं होनी चाहिए अदरवाइज़ उस पर भी सवालिया निशान उठा दिया जाएगा तो आगे बढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी का मैं एक थरो कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसमें कि पिछले चार पाँच सालों की अपडेशन भी जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वैलिड रहेगा नोट्स क्लास में जो ऑथेंटिक मेंस के लिए आपको नोट्स चाहिए जिस तरह के आप क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी देख रहे हैं उस तरह का ये कोर्स आपकी पूरी तरह से पॉलिटी की तैयारी कराएगा वी विल बी टेकिंग इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत एज दी बेस दिस इज़ नॉट दी ओनली सोल्यूशन दिस विल एक्ट एज अ बेस तो अर्ली बर्थ डिस्काउंट ये सब चीज़ें रहेंगी जैसा मैंने बताया जेवीज एडू नाम की एप्लीकेशन पे आप इसको पा सकते हैं और हमारा सिर्फ और सिर्फ ये क्वेरीज़ का नंबर है नाइन फाइव एट टू एट सिक्स एट जीरो एट जीरो इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी पा सकते हैं और यदि कोई भी डाउट है अगर आप मेरे से बात भी करना चाहते हैं तो यू कैन डायल दिस व्हाट्सएप नंबर मतलब आप इस पर पिंक कर देंगे तो आई ट्राई टू रीच आउट टू यू डिपेंडिंग अपॉन टाइम अवेलेबल तो आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ रिफॉर्मिंग दी प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स अगर आप देखें आर्टिकल का जो क्रक्स है वो ये है कि साठ लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं और इसके पीछे वजह जो है वो ये है कि 30 परसेंट सीट्स जो हैं जुडिशल हाई कोर्ट्स में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की भी वैकेंसीज हों वो फिलअप नहीं होती टाइमली और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तो बात ही क्या करें वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो हमारी वेकेंसीज हैं वो फिलअप नहीं होती इस वजह से जो केसेस की पेंडेंसी है वो बढ़ती चली जा रही है जैसा कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड वो इंसाफ ही क्या जो टाइम से ना मिले तो राइटर ने यह कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम की नाकामयाबी की वजह से यह वैकेंसीज टाइमली फिलअप नहीं हो रही क्योंकि सरकार और कॉलेजियम के बीच में डेड लॉक बन जाता है जुडिशरी का कॉलेजियम जो नाम सजेस्ट करता है जजेस के सरकार उस पर अपनी आपत्ति रखती है फाइनल कॉल जो अपॉइंटमेंट में लेना होता है वो आर्टिकल वन के तहत प्रेजिडेंट को लेना होता है अब प्रेजिडेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव अगर इसको मंजूरी नहीं देगा एनजे जो कॉलेजियम ने जो नाम सजेस्ट किए हैं तो वो नाम आगे नहीं बढ़ेंगे इस वजह से एक बनाया गया था, को दो को 2014 में पास करके जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ लॉ यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के मेंबर रहेंगे और इसके अलावा सीजेआई और टू सीनियर मोस्ट जजेस प्लस हमारे जो टू एमिनेंट सिटीजन हैं यानी कि सिविल सोसाइटी को भी एन में रखा गया था तो राइटर ये कह रहे हैं कि कॉलेजियम की जो कुरीतियाँ है, हैं जो फ्लॉज हैं कॉलेजियम के वे ऑफ फंक्शनिंग में इस वजह से एग्जीक्यूटिव यानी कि तीन ऑर्गन हैं लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशियरी तो जुडिशरी ही केवल इंडिया में अपॉइंटमेंट्स कर रही है जुडिशरी जो नाम देती है उन्हीं पे प्रेसिडेंट को मोहर लगानी होती है बारिंग अ फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की, की करप्शन या सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके अगर किसी सजेस्ट किए गए कॉलेजियम के द्वारा सजेस्ट किए गए किसी नाम के ऊपर आपत्ति होती है अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा कि ये जज जो है बहुत ही ज़्यादा करप्ट हैं और एंटी इंडिया जजमेंट्स देते हुए आ रहे हैं तो ऐसे नामों के ऊपर आपत्ति जताई जा सकती है अदरवाइज जुडिशरी के द्वारा सजेस्ट किए गए नामों को कॉलेजियम के द्वारा सजेस्ट किए गए नामों को प्रेसिडेंट को यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को मंजूरी देनी ही होती है इस वजह से जो सरकार है जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो क्या करती है वो इनको पेंडिंग रहने देती है नामों को यानी कि ना इन पर हाँ कहती है या ना कह, ना कहती है तो इससे क्या होता है वो नाम पड़ा रह जाता है जज का बाय द टाइम दी जज हुड रिटायर हो सकता है कि वो जज उनका नाम अप्रूव होने तक रिटायर भी हो जाए क्योंकि काफ़ी सीनियर जजेज होते हैं सिक्सटी टू ईयर्स का हाई कोर्ट का जज जो अगर है सिक्सटी फाइव तक सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है राइट right? तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई तीन साल का ही पीरियड रहता है एक हाई कोर्ट के जज के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है लेकिन ज़्यादातर जब नाम सजेस्ट करे जाते हैं तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर ऑलरेडी सिक्सटी टू ईयर्स प्लस तो उनके पास एक डेढ़ साल ही होता है दो साल होते हैं या तीन साल होते हैं मैक्सिमम एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए इसी तरह से जो हाई कोर्ट के जजेस के लिए नाम सजेस्ट करे जाते हैं वो भी काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रख दिए जाते हैं सरकार के द्वारा इस वजह से केसेस की पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है तो उसका सॉल्यूशन ये ढूंढा गया था 2014 में मोदी सरकार ने एन एक्ट को पास किया उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ प्लस सी प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लस टू एमिनेंट सिटीजन्स एमिनेंट सिटीजन्स कौन होंगे जो वरिष्ठ नागरिक हैं यानी कि सिविल सोसाइटी को भी इसमें भागीदारी दी जाएगी ये तरीका बाकी कंट्रीज़ में भी देखा जाता है जजेस को अपॉइंट करने का लेकिन जुडिशरी ने अक्टूबर 2015 में अपनी जजमेंट देते हुए ये कहा जिसको हम कोलोक्यूली जिसको हम पॉपुलरली फोर्थ जजेस केस कहते हैं उसमें यह कहा गया कि एन जे ए सी अल्ट्रावास दी कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा क्यों कहा गया ये कहा गया कि इससे जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का जो प्रोसेस है वो पोलिटिस हो सकता है ठीक है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है जो अभी एक अकाउंटेबिलिटी है जुडिशरी की तरफ वो अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी लेकिन राइटर का ये कहना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है अगर वो इतना ही अच्छा होता तो जजेस की पेंडेंसी क्यों इतने सारे जजेस टाइमली अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे क्योंकि जजेस का काम है जजमेंट्स देना अपनी जजमेंट्स के पीछे थोरो रिसर्च करना यानी कि जजमेंट्स के लिए पढ़ाई करना उसी में ही जजेस का काफ़ी टाइम चला जाता है और जो हश हश जो रश मैनर में जो जल्दबाजी में जजेस के नाम अपॉइंट भी अप्रूव भी किए जाते हैं जजेस के द्वारा वो कई बार थरो इंक्वायरी के बाद शायद अप्रूव नहीं करे जाते तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं कॉलेजियम सिस्टम की वर्किंग के अगेंस्ट कि कॉलेजियम सिस्टम भी पूरी तरह से पाक साफ नहीं है इसमें अंकल जजेस का फिनोमिना आता है नेपोटिज्म यानी कि भैया भतीजावाद अंकल जजेस क्या होते हैं अगर किसी के चाचा विधायक हैं ये तो हमने बहुत सुना है लेकिन अगर किसी के अंकल जज हैं और वो कोई लॉयर है तो अंकल जाते जाते अपने भतीजे लॉयर का नाम कोर्ट के जज के लिए सजेस्ट कर देते हैं वो ये कहते हैं कि ये हाँ, जो भतीजा है मेरा छोटा भतीजा उसको जज लगा दो हाँ कोर्ट का ये नेपोटिज्म यानी कि यहाँ पे पारदर्शिता नहीं है राइट और प्रॉपर रिसर्च भी नहीं होती क्योंकि जजेस के पास टाइम कम है तो ये सब कुरीतियों को देखते हुए और ये बात कि इंडिया में जजेस अपॉइंट दमजिल्स इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ पे जजेस खुद को अपॉइंट करते हैं इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से एन लाया गया था लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें भारत के इतिहास को देखें इंदिरा गांधी के समय को देखें जहां पे कमिटेड जुडिशियरी जैसा फिनोमिना भी देखा गया था यानी कि कि जजेस जो हैं सरकार की पॉलिसी की तरफ कमिटेड होने चाहिए यानी कि जजेस सरकार के साथ एक स्वर में बोलें दे शुड बोले देो वॉइस ऑफ द गवर्नमेंट इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से 1973 की जजमेंट लाई गई कि जुडिशरी जो है अगर वो चाहे तो सरकार से विपरीत भी रुख ले सकती है जुडिशरी इफ इट थिंक्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इज बिंग कॉम्प्रोमाइज इट कैन टेक अ व्यू पॉइंट विच इज ओपोजिट टू दू पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे क्योंकि जुडिशरी का काम क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस यानी कि सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है और पार्लियामेंट ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ द डे छोटी है उसके आगे गवर्नमेंट हैज़ टू अडियर टू दिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जुडिशरी ने यह कहा कि अगर यूनियन लॉ मिनिस्टर और दो एमिनेंट सिटीजन जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे अगर इनका हम देखें तो टोटल वन प्लस टू थ्री हो गए राइट तो यानी कि इसमें जो है जुडिशरी के बराबर गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हो जाएंगे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव यूनियन लॉ मिनिस्टर प्लस टू एमिनेंट सिटीजनस गवर्नमेंट के ये रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे तो गवर्नमेंट यदि चाहेगी तो किस नाम को ओवर रूल कर सकती है किसी भी जज के काबिल जज के नाम को ओवर रूल कर सकती है और जुडिशरी जो है यहाँ पे उसकी से कम हो जाएगी जजेस की अपॉइंटमेंट में हालांकि यदि अभी हम कॉलेजियम को देखें तो कॉलेजियम में पूरी पूरी तरह से सरकार का ही जुडिशरी का ही चलता है जुडिशरी ने जो नाम सजेस्ट कर दिया लगभग लगभग ये तय मान लो कि उसी नाम पे मोहर लगेगी इस वजह से क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करते हुए जजेस ने ये कहा 2015 की जजमेंट में कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एन जे ए सी इन इट्स प्रेजेंट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म कैन कॉम्प्रोमाइज़ विद द जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो इसलिए एन जे ए सी एक्ट को अल्ट्रावाइज द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया तो ये अक्टूबर 16 को ये जजमेंट आई थी जैसा मैंने आपको बताया 2015 में एन जे ए सी एक्ट को इस जजमेंट ने रिपील कर दिया इसको कहा जाता है फोर्थ जजेस केस राइट तो अभी क्या है कॉलेजियम में सीजेआई एंड फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124. अगर मान लो कि जजेज ने कॉलेजियम ने जो नाम सजेस्ट किया अगर उस नाम पर गवर्नमेंट को यानी कि गवर्नमेंट के जरिए प्रेसिडेंट को कोई आपत्ति है गवर्नमेंट ऑफ द डे को कोई आपत्ति है तो उस नाम को वापस भेजा जा सकता है लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा से उस नाम को सजेस्ट कर देगा तो प्रेसिडेंट के पास कोई और यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या प्राइम मिनिस्टर के पास कोई और रास्ता नहीं है उस जज को अपॉइंट करना ही होगा अब गवर्नमेंट क्या करती है जजिस के नाम की फाइल को पड़ा रहने देती है इस वजह से बैकबर्नर पर वो नाम पड़े रह जाते हैं बाय द टाइम गवर्नमेंट थिंग्स ऑफ अप्रूविंग इट वो जज रिटायर हो चुके होते हैं राइट या फिर जो पीछे के जो नीचे की लाइन में जो जजेस हैं जो काबिल हैं जिनके नाम सजेस्ट होने हैं वो नाम कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हैं वो नाम रह जाएंगे क्योंकि इस वाले जज को लेट लगाया गया इकतीस चौंतीस जो वैकेंसीज हैं वो चौंतीस वैकेंसीज अगर अप हैं और सिक्सटी टू ईयर्स का कोई कोर्ट का जज रिटायर हो जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाएगा यानी कि अगर पीछे के किसी व्यक्ति को रोकना है जज बनने से वो हो सकता है ऑनेस्ट हो या सरकार को पसंद ना हो उसकी जजमेंट्स तो उस जज को रिटायर करवाने का तरीका क्या है है कि आगे जो नाम है लाइन में उनको लेट से अप्रूव किया जाए इस सारी प्रॉब्लम की वजह से हो क्या रहा है आम नागरिक जो बॉबी की उस मूवी की तरह तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख का शिकार होते चले जा रहा है तो ये सारी चीजों को साइड करते हुए यहाँ पे एक तो आपको फैक्चुअली प्रिलम्स के लिए ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें याद करनी है एनजेएसी की जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है राइट right? और ये टू एमिनेंट पर्सन कौन लगाए जाए कौन लगाएगा टू सीनियर जजेस तो चलो ठीक है वो तो सीनियर senior, सीनियोरिटी के आधार पे आएंगे एमिनेंट पर्सनस हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के प्रो हो गवर्नमेंट ऑफ द डे के प्रो हो या जुडिशरी के अगेंस्ट हो कुछ ऐसा भी हो सकता है तो कोर्ट ने ये कहा कि एनजेएसी जे जेपेडाइज कर सकता है जो जुडिशरी की इम्पारशैलिटी है और ऑब्जेक्टिविटी है लेकिन लीगल प्रोफेशनल्स का ल्यूमिनरीज का एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को फास्ट करना है इस प्रक्रिया को फास्ट करना है तो हमें एन लाना होगा भले ही एन को रीवर्क करा जाए कैसे रीवर्क करा जाए इसके लिए हमें और कंट्रीज से लेसन लेने होंगे जैसे कि यूके में अगर हम देखें तो यूके में 15 मेंबर कमीशन है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जिसको ये बीड़ा दिया गया है जजेस को सिलेक्ट करने का ठीक है यूके ने जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट लाया तो इसमें आप देखो चेयरपर्सन जो कि ले मेंबर होता है सिविल सोसाइटी से है सिक्स जुडिशल मेंबर्स हैं इसमें टोटल सात हो गए और दो ट्राइब्यूनल जजेस हैं नौ हो गए प्लस दो प्रोफेशनल मेंबर्स हैं ग्यारह जो दो प्रोफेशनल मेंबर्स हैं एक तो बैरिस्टर होगा इंग्लैंड में और वेल्स में यूनाइटेड किंगडम्स को आप जानते हो इंग्लैंड और वेल्स उसमें आ जाता है राइट सॉलिसिटर ऑफ सीनियर कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल तो सॉलिसिटर्स भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं और फेलो ऑफ चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एग्जीक्यूटिव तो आप देख रहे हो कि यूके में यूनाइटेड किंगडम्स जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा आधारित है मिलता जुलता है तो वहाँ पर एक डाइवर्स ग्रुप है एक डाइवर्स कमीशन बनाया गया है जिसमें कि ले मेंबर्स भी हैं जुडिशरी uh, के एक्सपर्ट्स भी हैं तो इनको ये जिम्मेवार सौंपी गई है जजेस को अपॉइंट करने की ठीक है वन नॉन लीगली क्वालिफाइड जुडिशियल मेंबर तो इस तरह के जजेस इस तरह की मेंबरशिप से जो बनाया गया कमीशन है वो वहाँ पे जजेस को अपॉइंट करता है इसी तरह से साउथ अफ्रीका में जुडिशल सर्विस कमीशन है जो प्रेसिडेंट को जजेस को अपॉइंट करने को कहता है तो जजेस जो अभी का जुडिशियल सर्विस कमीशन है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ साउथ अफ्रीका प्रेजिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील अ जज प्रेजिडेंट द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस यानी कि यहाँ पर भी सरकार की भागीदारी है तो लगभग हर कंट्री में गवर्नमेंट एसोसिएटेड है सिक्स पर्सनस डेजिग्नेटेड बाई नेशनल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट भी हो गया साउथ अफ्रीका के सिक्स नेशनल पार्लियामेंटेरियन जो उन्होंने डेजिग्नेट करे हैं पार्लियामेंट ने वो भी इसमें रहते हैं फोर पर्सन डेजिग्नेटेड बाई द प्रेजिडेंट एंड फोर परमानेंट डेलीगेट्स टू नेशनल काउंसिल ऑफ प्रो प्रोविंसेज तो यानी कि स्टेट्स की भी इसमें भागीदारी रहती है डेलीगेट्स जो हैं नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंस के वो भी इसमें रहेंगे यानी कि लगभग जैसे हमारी राज्यसभा के मेंबर हो गए उस तरह के ये मेम्बर्स फ्रांस में भी देखें तो प्रेसिडेंट को ये ज़िम्मेदारी दी गई है बट प्रेसिडेंट डायरेक्टली जजेस को सिलेक्ट नहीं करते जजेस फ्रांस में भी एक हाई काउंसिल ऑफ़ जुडिशरी जो जिसको उनकी भाषा में काउंसिल सुपीरियर डेला मेजिस्ट्रेचर कहा जाता है वहाँ पे लोअर कोर्ट्स के जजेस को सिलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है हाई काउंसिल ऑफ़ जुडिशरी को दी गई है मिनिस्टर ऑफ जस्टिस उसमें रहते हैं और या फिर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो हैं चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं या हाई काउंसिल से एडवाइस मांग सकते हैं

कंसल्टेशन, डिस्पाइट सपोजिट फॉल्ट एन जे ए सी कैन बी रीवर्क मान लेते हैं कि एन जे ए सी में कुरीतियाँ हैं मिनिस्टर ऑफ लॉ नहीं होने चाहिए जुडिशरी को आशंका है कि जैसा इंदिरा गांधी टाइम पर हुआ वैसा हो सकता है है ना और जैसे कोई मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट आ जाती है तो वो जुडिशरी पर दबाव डाल सकती है राइट right. तो एन को फिर भी कंसीडर करना सही होगा क्योंकि एन को रीवर्क करके जुडिशरी के साथ कंसल्ट करके एक इक्विलिब्रियम एक बैलेंस्ड अप्रोच बैठाने की जरूरत है ताकि कॉलेजियम सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे ओवरकम किया जा सके तो ये था हमारा फर्स्ट जो एडिटोरियल है कॉलेजियम सिस्टम की मेम्बरशिप क्या है इस पर मैंने दो तीन क्वेश्चन जो बनाए हैं उसको आप देख सकते हो ओवरऑल इसका क्रक्स मैंने आपको बता दिया ये YouTube पे डेली हम क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जो कि गुड क्वालिटी क्वेश्चन होंगे फैक्चुअल भी रहेंगे तो ये क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो कॉलेजियम सिस्टम वॉज प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच केस ये YouTube कॉमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा दूसरा क्वेश्चन जो है नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन कम्प्राइजेज ऑफ सी जे आई टू सीनियमोस जजेस तो आपको यहाँ से ऑप्शन चूज करनी है तो ये था फर्स्ट एडिटोरियल अगले एडिटोरियल की तरफ चलते हैं तो दो सितंबर का जो दूसरा एडिटोरियल है इंडियाज नेबरहुड वॉच पास्ट एंड प्रेजेंट तो सबसे पहले राइटर के बारे में बात करें टी एस त्रिमूर्ति ये जो है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के न्यूयॉर्क एंड अर्लियर ही वाज़ दी हेड ऑफ़ डिवीजन फॉर दीज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया तो यानी कि 2008 हज़ार आठ के कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ये सरकार के, के एडवाइज़र थे एक तरह से इनका इसमें यह कहना है कि कैसे हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ जो हैं इंडिया के हाथ से फिसलती चली गई जबकि दो से दस में इंडिया की ग्रिप में था ये हमारा नेबरहुड और सारी चीज़ें इंडिया के इंटरेस्ट की फेवर में हो रही थी इंडियन डिप्लोम इंटरेस्ट की फेवर में हो रही थी लेकिन बाद में क्या हुआ ये पासा पलटने लगा कुछ चीजें ऐसी होने लगी कि इंडिया के हाथ से रेत की तरह हमारा नेबरहुड फिसलता चला गया खासकर 2018 से तो एक नजर डालते हैं देखो इंडिया का नेबरहुड सीम्स टू बी इन आर टाइम्स दिसरे कंट्री इन ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सेल्फ फ्लेजिलेशन है यानी कि हम नेपाल में हो छोटी कंट्रीज हैं हम अननेसेसरी इंटरफेयर करते रहते हैं इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में ठीक है इंडिया ये सोचता है कि हमारी मर्जी के बिना ये कंट्रीज में पत्ता भी कैसे हिल जाएगा तो इस वजह से ऑल दी इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़ दे सब्सक्राइब टू दी थ्योरी ऑफ थ्रेट परसेप्शन इस वजह से चाइना की डिप्लोमेसी में भी का भी एक रोल इसमें आ जाता है कि चाइना काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को अपने नेबरहुड की तरफ थोड़ा और अच्छा ध्यान देने की ज़रूरत है और इस विषय पर इंडिया क्या क्या कर रहा है सोलह साल पहले से ये आर्टिकल शुरू होता है कि दो से दस में क्या हुआ था कि दो तीन सालों में कुछ ऐसा हुआ कि इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी वॉज वर्किंग इन दी फेवर ऑफ इंडिया दिस वॉज अ पीरियड विच कोइनसाइडेड विद दी राइटर्स टेन्यर एज दी हेड ऑफ़ द डिवीजन हेड ऑफ जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डिवीजनस बनी हुई हैं बांग्लादेश मेना रीजन मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका फिर वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन तो राइटर जो हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज तीन नेबरिंग कंट्रीज़ चार नेबरिंग कंट्रीज़ को देख रहे थे तो अब यहाँ पर क्या है इंडिया ने पॉजिटिव कैटलिटिक रोल प्ले करा उस दो से दस के दौरान बांग्लादेश में भी क्या हुआ था पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई कि मिलिट्री रूल जो था सालों से चल रहा मोन यू अहमद का रूल जो है वो ख़त्म हुआ और डेमोक्रेटिक लीडर शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बन गई 2009 में और उस साल में कुछ सालों में हमने शेख हसीना को इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ और यह सबसे भी नवाजा डेमोक्रेटिक सरकार है जो कि इंडिया की फेवर में जो पॉलिटिकल पार्टी रहती है बांग्लादेश में वो पॉलिटिकल पार्टी की लीडर शेख हसीना जीत गई तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हमने लैंड एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया बांग्लादेश के साथ में तीस्ता रिवर समझौते पे भी शेख हसीना की सरकार ने भारत के हितों को वेस्ट बंगाल के कंसर्न्स को सोच समझते हुए हमारा साथ दिया यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पक्ष में थी शेख हसीना सरकार और इसके साथ साथ कलादान मल्टी मॉडल हाईवे बांग्लादेश इंडिया रेल लिंक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसको बाईपास करने के लिए या एक ऑल्टरनेट रूट की तलाश में बांग्लादेश में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए फाइव बिलियन डॉलर्स का क्रेडिट लाइन भी इंडिया ने दिया तो ये एक हसीन फेज़ था एक पॉजिटिव फ़ेज़ था दो से दो का इंडिया बांग्लादेश रिलेशन्स में तो उस टाइम के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जो थे उन्होंने एक क्वाइट कैटेलिट यानी कि ज़्यादा हाइप क्रिएट ना करते हुए एक अच्छा रोल प्ले किया और उसके बाद पंद्रह साल लगातार इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन्स जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे फाइनेंसिंग ये सारी चीज़ों में दोनों देशों ने काफ़ी कोऑपरेशन जताई दिखाई राइट अब दूसरा श्रीलंका की बात करें तो 2009 में श्रीलंका में भी कुछ ऐसा हुआ 33 सालों के बाद एल जिसमें हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी को अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे राइट right? एल के अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी थाउजेंड स्ट्रॉन्ग आर्मी इंडिया ने राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान श्रीलंका में भेजी थी ताकि लिट्टे को एल से निजात पाया जा सके टेररिज्म से निजात पाया जा सके लेकिन हुआ क्या कि वो वॉर ख़त्म हुआ 2009 में तो उसके बाद वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए राजा पक्सा की सरकार बनी ये सब चीज़ें हुई तो वो भी एक अच्छा फेज था इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में तो फिर मॉलदीव्स की बात करें तो इंडिया के देखो ना चारों तरफ डेमोक्रेसी बहाल हो रही थी अब किसी भी कंट्री के लिए अगर आसपास माफ़ कीजिएगा पुअर ड्राइंग के लिए अगर किसी भी कंट्री के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ में पीस एंड स्टेबिलिटी रहती है तो वो कंट्री प्रॉस्पर भी करती है और इन कंट्रीज़ को भी फ़ायदा मिलता है जिसको हम पुश पुल फैक्टर्स के वे में पढ़ते हैं पुश फैक्टर्स मतलब अगर इन कंट्रीज़ में देखो पीस नहीं होगा जैसे बांग्लादेश में रोहिंग्या क्राइसिस तो बांग्लादेशी जो रोहिंग्याज हैं वो कहां आएंगे फ्ली करके वो हमारी कंट्री में घुसपैठ करेंगे जैसा कि अभी भी हो रहा है तो इस तरह से म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस हुआ बांग्लादेश के रास्ते लोग हमारी कंट्री में आ रहे थे श्रीलंका में जब एल वॉर था तो काफ़ी श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हालीज लोग हमारी कंट्री में आ रहे थे तो ये जो घुसपैठ का सिलसिला है उससे दोनों देशों को नुकसान होता है लेकिन अगर यहाँ पे पीस है स्टेबिलिटी है डेमोक्रेसी है तो नेबरिंग कंट्रीज़ की वजह से इंडिया में भी पीस एंड स्टेबिलिटी रहेगी और इकोनॉमिक ट्रेड दोनों कंट्रीज़ दोनों साइड्स में बढ़ेगा तो ये चीज़ है अब मॉलदीव्स में क्या हुआ अक्टूबर दो में तीस सालों के बाद प्रेजिडेंट मैमून मौमून अब्दुल गयूम की सरकार जो ख़त्म हुई ऑटोक्रेटिक रेन जो था वो ख़त्म हुआ फिर फर्स्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए जिसमें मोहम्मद नशीद एक लीडर बन के सामने आए और मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने तो इंडिया ने अपना कोशिश की कि मालदीव्स को स्टेबलाइज़ करा जा सके और मोहम्मद नशीद को ये सलाह दी कि आप एक कोलिशन गवर्नमेंट को चलाएं और ज़्यादा अपनी मनमानी ना करें लेकिन फिर भी क्या हुआ कि नशीद ने अपनी जो सलाह है इंडिया ने जो दी उसको माना नहीं अच्छे से और ये हुआ कि अब फाइनली वहाँ पे दूसरे लीडर आ गए और नशीद को हाउस अरेस्ट और देश से निकाला और ये सब चीज़ें चलने लगी ठीक है लेकिन फिर भी 2008 से 10 का जो फेस था चाहे मॉलिव्स हो चाहे श्रीलंका हो चाहे हमने पीछे देखा बांग्लादेश हो इंडिया की फेवर में था अब म्यन्मार की बात करें तो दो में एक के बाद एक आप देख रहे हो बांग्लादेश से हम शुरू हुए बांग्लादेश के बाद श्रीलंका श्रीलंका के बाद हमारा मॉलडीवस मॉलडीव्स के बाद अब म्यन्मार म्यन्मार में भी 20 सालों की जद्दोजहद के बाद ऑंग सैन सू की एक पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो उनकी पार्टी जो है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वो चुनाव जीतती है और मिलिट्री जनता जो है वो अपना सत्ता जो है इनके हाथ में दे देती है यानी कि एक डिक्टेटर जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ओंग सैन सू की पार्टी के हाथ में सत्ता सौंप देते हैं तो सात सालों की हाउस अरेस्ट के बाद ऑंगसैन सुकी को फ्री करा गया 2010 नवंबर में 2011 में फिर दोबारा से ये चीज़ें स्लाइड होने लगी लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी चल रही थी और इवन पाकिस्तान जैसी रोग स्टेट जो अभी है वहाँ पे भी परवेज़ मुशर्रफ देश छोड़ के भाग गए और वहाँ पे भी नवाज शरीफ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सूडो डेमोक्रेसी चाहे कुछ भी कहें लेकिन फिर भी एक सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी एक फीलिंग ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही थी राइट इवन दो हजार... दस का अगर हम फेस देखें अशरफ घनी और ये जो अफगानिस्तान के लीडर्स हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं चीज़ें प्रोग्रेसिव थी लेकिन अब जो सिनेरियो है वो बिल्कुल ही ओपोजिट है यहाँ पे देखें कि इन 2008 से 10 के सालों में जब इन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन की प्रक्रिया चल रही थी तो उस टाइम पे इंडिया की जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है 5 मिलियन डॉलर 2 मिलियन डॉलर इंडिया जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के राहत दे पा रहा था इन कंट्रीज़ को क्योंकि डेवलपमेंट इंडिया में भी अच्छी हो रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस इंडिया में काफ़ी अच्छा हो रहा था वन बिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था बांग्लादेश को श्रीलंका को भी म्यांमार को भी ऐसी बजटरी सपोर्ट दी गई राइट right? तो क्या हुआ कि उस टाइम पर इंडिया के लिए बल्ले बल्ले हो रही थी एक तरह से अगर हम देखें और चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी को चेक कर पा रहा था इंडिया रोक लगा पा रहा था उस पर अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है राइटर उसकी तरफ रुख करते हैं और ये कहते हैं कि मूविंग टू 2024 नेबरहुड लुक्स ऑलमोस्ट अनरिकोगनाइजेबल सारी जगह डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप आते चली जा रही है हसीना गवर्नमेंट जो है एकदम से अगस्त 2024 में कोलैप्स हो गई अंडर दी वेट ऑफ अपनी गलतियों की वजह से क्या कहा जा रहा है कि हसीना की गवर्नमेंट जो है अपनी ही गलतियों की वजह से क्योंकि उनके कार्यकाल में डेमोक्रेटिक डेफिसिट देखा गया स्टूडेंट प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करी गई और अभी जो बांग्लादेश में इकोनॉमिक डाउन टर्न देखा जा रहा है बेरोजगारी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस वजह से हसीना को अपने ही देश से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को अपने ही देश से निकाला जा रहा है वहाँ पर राइट तो ये चीज़ें इंडिया की फेवर में नहीं है अब इंडिया से क्या क्या गलती हुई है राइटर उस पर रुक कर रहे हैं कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ प्रो गवर्नमेंट चल रही थी इन सभी देशों में चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो क्या हमने जो वॉइस ऑफ डिसेंट थी या जो ओपोजिशन पार्टीज़ थी इन कंट्रीज़ में उनके साथ पुख्ता ताल्लुक रिलेशन नहीं बना के रखे तो क्या इंडिया वॉज कॉट फ्लैट फुटेड तो इंडिया को अचंबा लगा एक तरह से इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक एकदम से मार्च अप्रैल में इलेक्ट हुई शेख हसीना की सरकार एकदम से गिर जाएगी क्या इंडिया इस चीज को प्रिवेंट कर सकता था मे बी हाँ ऐसा कर सकते थे हम ठीक है गिवन दैट दिस हैपन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हुआ बट ये भी डिफिकल्ट है ये तय करना कि हम शेख हसीना पे कितना दबाव डाल सकते थे जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इंडिया को हमेशा ये एक्यूज किया जाता है इंडिया पे हमेशा यह एलिगेशन लगाया जाता है कि इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्रीज में इंटरफेयर करता है ठीक है तो ऐसे हालात में अगर शेख हसीना की पॉलिसीज़ गलत भी थी या किसी और नेबरिंग कंट्री के लीडर की पॉलिसीज़ चाहे वो राजा पक्सा हो जब वो चाइना से ज़्यादा बोरो कर रहे थे पैसा चेकबुक डिप्लोमेसी में फंसे जा रहे थे चाहे वो म्यन्मार हो कितना दबाव एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर पे इंडिया डाल सकता है किसी दूसरी कंट्री की चाहे वो नेबरिंग कंट्री क्यों ना हो ठीक है वैल इंडिया बाइज टूवर्ड्स हालांकि इंडिया प्रो शेख हसीना था ठीक है तो स्कैनर इस पर इस पर भी निगाहें हैं कमेंटेटर्स काफ़ी कुछ लिख रहे हैं राइट right? लेकिन रियलिस्टिकली अगर हम देखें इंडिविजुअल्स जो हैं वो मैटर करते हैं इन द रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज एज़ मच एज इंस्टीट्यूशनल लिंक्स हम भले ही सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चलें लेकिन उस गवर्नमेंट का मुखिया कौन है ये मैटर करता है तो हम इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि शेख हसीना प्रो इंडिया है और इंडिया के ताल्लुकात बांग्लादेश से शेख हसीना की वजह से ही इतने अच्छे हैं ठीक है लेकिन फिर भी इंडिया को रेगुलरली एंगेज करना चाहिए था बांग्लादेश की ओपोजिशन से जो कि इंडिया ने नहीं किया अब उसी का खामियाजा इंडिया को बांग्लादेश में भुगतना पड़ रहा है क्योंकि जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं इस्लामिक जो पार्टीज हैं उन्हें प्रो पाकिस्तान या प्रो श्रीलंका माना जाता है और इंडिया के उनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं हैं पूरी तरह से हमने अपने ऊपर अपने आप को जो है शेख हसीना के ऊपर झोंक दिया था राइट 2022 में कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई बांग्लादेश की तरह श्रीलंका में गोटाबया राजा राजापक्सा को श्रीलंका छोड़ के जाना पड़ा यानी कि देश के राष्ट्रपति को अपनी ही देश को छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि सीरीज ऑफ मास एंटी गवर्नमेंट अरागलिया प्रोटेस्ट जो हैं पॉलिटिकल पब्लिक और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से हमने देखा कि श्रीलंका के पास चार वक्त के पैसे नहीं थे चार हफ्ते तक के पैसे नहीं थे तो इट्स डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी टू का सिवियर बीटिंग तो उस टाइम पे भी हम पूरी तरह से प्रो राजा पक्सा हो रखे थे राइट right? तो हमारी सरकार की हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कहीं ना कहीं ये गलती है कि हम प्रो गवर्नमेंट हो जाते हैं हम ये नहीं देखते कि प्रो कंट्री होने में ओपोजिशन के साथ भी उतने अच्छे नहीं तो लेकिन कुछ ताल्लुक हमें बनाए रखने चाहिए इंडिया टाइमली एंड जेनरियस हालांकि इंडिया ने सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से संभाला कैसे संभाला हमने फटाफट से राजा पक्सा के देश छोड़ के जाने के बाद महंगाई से इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए इंडिया ने क्या किया करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत इन श्रीलंका को इंडिया जो है फोर बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ रुपीस देगा ताकि श्रीलंकन रुपया जो उस टाइम बीटिंग पे था इन्फ्लेशन बढ़ रही थी उसकी वैल्यू गिर गई थी तो इंडियन रुपी से श्रीलंका अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को दवाइयों को मेडिसिन को फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके तो इंडिया स्वंग इन एक्शन वंस दी क्राइसिस अनफोल्डेड इन श्रीलंका बट श्रीलंका में क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस था तो पैसे दे काम चल गया लेकिन बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस उतना ज़्यादा नहीं है जितना एंटी डेमोक्रेटिक सरकार की रणनीतियों की वजह से क्राइसिस है तो इंडिया को वहाँ पर संभालने में दिक्कत आ रही है तो इंडिया हैज़ बिल्ट ब्रिजेज अक्रॉस पोलिटिकल स्पेक्ट्रम अब इंडिया ने क्या करा है चाहे लेफ्ट पार्टीज हों राइट हों चाहे राजा पक्सा की पार्टी हो या कोई पार्टी हो इंडिया ने अच्छे ताल्लुक सभी तरह की पॉलिटिकल पार्टी से बना रखे हैं ठीक है तो श्रीलंका में हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं चाहे कोई भी पार्टी पावर में आए लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है अब बात करते हैं मॉलडीवस की तो राइटर ये कह रहे हैं कि 2024 में इलेक्शंस के जैसे ही रिजल्ट आए मोइजू प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मोइजू बने उसकी वजह से भी इंडिया को काफ़ी ऐसा सामना करना पड़ा एंटी इंडिया कैंपेन चलाया गया मॉलिव्स में जिस वजह से प्रेसिडेंट के लक्ष्य हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी के लक्ष्मदीप दौरे के ऊपर भी बातें उठने लगी कि मॉलिव से जो टूरिज्म का ट्रैफिक इंडिया से जाता है इंडियंस जो टूरिज्म के लिए जाते हैं उनको इंडिया में रोकने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी तो एंटी इंडिया कैंपेन चलाया गया इंडिया को ये भी कहा गया कि आपका जो नेवल बेस है या जो आपकी जो आर्मी वहाँ पे है मॉलडीव्स में उसको वहाँ से हटाया जाए और चाइनीज शिप्स को न्यौता दिया जा रहा है इंडिया को जो जी कंपनी को जो प्रोजेक्ट्स मॉलडीवस में दिए गए हैं उनको वापस लेने की बात करी गई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राइट तो ये सारा लो एक देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर नशीद की फेवर में पूरी तरह से अपने स्टेक्स लगा रखे थे। हाउेवर यहाँ पे भी एक बात नोट करने लायक ये है कि मालदीव के जो पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे नशीद 2008 से 12 तक जिनका टेनियर रहा वो भी ट्रबल में थे विदाउट इन मजोर विदाउट अ क्लियर मजोरिटी इन पार्लियामेंट जिसको मजलिस कहा जाता है, फिर भी इंडिया ने हेजिटेट नहीं किया इंडिया ने उस टाइम उनको एक राय दी बतौर दोस्त कि देखो नशीद आपको जो है कॉलिशन मंत्रा को रिस्पेक्ट करना होगा क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हो और आपकी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है तो आप एक तरह से एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरह काम नहीं कर सकते एक राष्ट्रपति जिसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है उसको क्वालिशन यानी कि गठबंधन सरकार के मंत्रा को याद रखना होगा लेकिन अब वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नशीद के ऊपर था कि वो इंडिया की इस एडवाइस को कितना मानते हैं और कितना नहीं अब क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी तो नशीद के साथ जो हो रहा है मोजू के आने के बाद उसके जिम्मेवार वो खुद हैं तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया ने नशीद के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं बनाया कि आप ऐसा मत करो जैसा कि हम नेपाल में करते हैं कि आप माओस्ट को जगह दो आप माओस्ट को जो है मंत्रिमंडल में शामिल करो ये सब करो लेकिन हमने एक सलाह दी जो कि दोस्त ने नहीं मानी तो ये एक माइल्ड डिप्लोमेसी है एक वैसे हम ये कहेंगे हम क्या करते हैं डिप्लोमेसी ऑफ़ कोर्जन में चले जाते हैं यानी दबाव की डिप्लोमेसी जो कि सभी इंडियन नेबर्स नेबरिंग कंट्रीज को इंडिया से दूर करती है तो इसलिए इंडिया जितना चाहता था कर सका लेकिन नहीं मानी अगर नशीद ने बात तो उसमें इंडिया की या उस समय की इस समय की सरकार की कोई गलती या कोई बढ़ाई नहीं है चाहे वो कांग्रेस की चाहे बीजेपी की नाउ इन म्यांमार आफ्टर थ्री मिलिट्री टूक ओवर येट अगेन तो पहले तो तीन बार लगातार इलेक्शन हुआ फरवरी में दोबारा से मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया अब म्यांमार मिलिट्री एक ऐसे शेर पर सवार है जो कि ना तो उसको उतरने दे रहा है और ना ही उसको अच्छे से शासन करने दे रहा है क्योंकि वहाँ पे भी विरोध हो रहा है जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं है म्यांमार की वो काफ़ी उग्र हो रखी हैं चाहे वो हम रोहिंग्याज की बात करें या जो भी करें ठीक है एथनिक ग्रुप्स जो है वहाँ पर ग्राउंड ले रहे हैं तो शेर के ऊपर जब आप सवार हो जाते हो ना अगर आप उतरोगे तो वही शेर आपको खा जाएगा मिलिट्री जनता जो म्यांमार में अभी रूल कर रही है उसके लिए कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है लेकिन ये जो सारी कॉन्फ्लिक्ट है इसकी रेपोकशंस इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के लिए हो रही है जो वॉर जो ड्रग्स यहाँ से सप्लाई हो रही हैं राइट और जो वेपन्स इनके हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स हैं जो भी यहाँ पे एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है उसको बढ़ावा दे रही है म्यांमार में ये इनस्टेबिलिटी तो इंडिया को अपने इंटरेस्ट को सेफ करना होगा इंडिया का म्यांमार में काफ़ी जगह पर ओपन बॉर्डर भी है ठीक है तो इस वजह से इंडिया का जो डिलेमा है वो रिन्यू हो गया है इंडिया की जो कंफ्यूजन है ऑन वेदर टू स्टे विद द मिलिट्री इन म्यांमार टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम इंसर्जेंट्स यूजिंग म्यांमारी सॉइल अब या तो हम म्यन्मारी मिलिट्री सरकार से डिक्टेटर से हाथ मिला लें बट क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं कल को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार आएगी तो हमें फिर दोबारा से खामियाजा भुगतना पड़ेगा है ना तो इस वजह से इंडिया के लिए काफ़ी एक डिलेमा चलता रहता है नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या करें क्या ना करें तो ये चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करें तो तालिबान ने फोर्सिवली पावर कैप्चर कर लिया जो कि हमें पता था लेकिन क्या करता है इंडिया क्योंकि इंडिया ने यूएसए को वार्निंग दी कि देखो आप जो कर रहे हो उस वजह से एकदम से आप अफगानिस्तान में ऐसे छोड़ के चले जाओगे क्योंकि आपका खर्चा बढ़ रहा है तो इससे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी लेकिन यू ने अपने ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहे जाने वाले इंडिया के कंसर्नस को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को नाराज ना करने के लिए इंडिया की बात नहीं सुनी कि अगर इंडिया की बात सुनेंगे तो पाकिस्तान नाराज़ हो जाएगा और अगर पाकिस्तान नाराज हो गया तो अफगानिस्तान से यूएसए को फोर्सेस विदड्रॉ करने में दिक्कत आएगी तो इस वजह से इंडिया अपने जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट्स हैं उनको सेफ नहीं कर पाया हालांकि ये बात अच्छी है कि देर सवेर हम तालिबान से भी हाथ मिला रहे हैं ताकि इंडिया ने जो वहाँ पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे अस्पताल हों चाहे अफ़गानिस्तान में पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाना हो चाहे उनकी आर्मी को ट्रेन करना हो वो सारी चीज़ों को तालिबान ने माना है और कोई भी इंडिया के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट अभी तक डेमोलिश नहीं किया है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है ठीक है और पाकिस्तान में भी देखें तो कुदरती ही सही एक मान लो इतफाक़ ही सही कि 2008-10 में अपने आप ही डेमोक्रेसी आ रही थी परवेज़ मुशर्रफ छोड़ के चले गए लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको टॉपल कर दिया गया और दोबारा से एक तरह से आर्मी ग्रिप में आ रही है वहाँ पे भी तो पूरी तरह से इंडिया जो है इनसर्कल हो गया इन एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के द्वारा जिसको कि जिनको कि चाइना का कैप्चर करना बहुत एक लॉजिकल या बहुत एक इजी सिचुएशन है तो न्यू डेली इज़ रिस्पॉन्स एज अ की फैक्टर यहाँ पे कुछ केसेस में इंडिया ने मिस स्टेप्स भी लिए गलतियाँ भी हुई मिस जजमेंट्स भी हुई जैसे कि बांग्लादेश के केस में हमने सोचा कि एक मोमेंट्री स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है जैसे ओ में हो रहा था दबा देंगे इसको है ना सीबीआई लगा देंगे या कुछ भी बांग्लादेश उसे कंट्रोल कर लेगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया इवेंट्स जो हैं बढ़ते चले गए और इस हद तक बढ़ गए कि शेख हसीना को छोड़ के जाना पड़ा देश इंडिया हैज़ नॉट डन टू बैडली फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम पूरी तरह से गलत हैं कंसिडरिंग कि हमने श्रीलंका में सिचुएशन को फटाफट से संभाल लिया चाहे फिजकल बेल आउट पैकेज दिया और मालदीवियन गवर्नमेंट को भी हमने क्या करा उनको सबक सिखा दिया कि भैया औकात में रहो राइट एंड एक्सप्रेसड विलिंगनेस टू डू बिज़नेस विद तालिबान इन अफ़गानिस्तान हमने तालिबान के साथ में बिजनेस करना डील्स करना उनके मंत्रियों से बातचीत करना ये सब चालू कर दिया पहले की तरह नहीं कि हम तालिबान से बात ही नहीं करेंगे तालिबान टेरर ग्रुप है ये सब वो आइडियोलॉजिकल Uh, जो मोरिंग्स हैं स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए चल रहा है इस बार री एक्सटेंडेड दी हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू एन अनस्टेबल बट डेमोक्रेटिक नेपाल अब नेपाल के साथ में भी आप देखो काला पानी और ये सब चीज़ें हुई है ना कन्फ्यूजन हुआ मैप को अल्टर करना ये सब हुआ लेकिन फिर भी नेपाल के साथ में हमने क्या करा है कि ये नहीं कहा कि भाई हम बिल्कुल ही आपसे तीन तोहबा कर लेंगे म्यन्मार और बांग्लादेश हमारे लिए गले की हड्डी बना हुआ है गिवन देयर सेंट्रैलिटी टू इंडियाज़ इंटरेस्ट अब इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट या जो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी है उसका जो गेट वे है वो म्यन्मार के थ्रू जाता है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांस एशियन हाई वे म्यांमार इज़ वियरिंग टूवर्ड्स अ पॉसिबल सिविल वॉर एंड बांग्लादेश इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट बैक ऑन इट्स डेमोक्रेटिक फीड तो ये दोनों देश हालांकि जो साइज़ में भी बड़े हैं जियोग्राफिकली उनको कंट्रोल करना या मान लो कि वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी रिस्टोर करना इंडिया के लिए जरूरी हो जाएगा अब इन दोनों केसेस में गोइंग अलोंग विद दी फोर्सेस ट्राइंग टू कीप डेमोक्रेटिक स्पेसेस ओपन ठीक है यानी कि जो भी सरकार है उनके साथ स्वर में स्वर मिलाना एट दी सेम टाइम डेमोक्रेटिक स्पेसिस को ओपन रखना कि हम तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आ जाए लेकिन अभी जब तक डेमोक्रेसी नहीं है इन कंट्री के लोगों के हितों के लिए हम इन फोर्सेज के साथ में आर्मी के साथ में बातचीत कर रहे हैं तो इंडिया ये करेगा तो इंडिया के लिए ये बेस्ट बेट होगा राइटर का ये कहना है म्यांमार यूज एज मतलब इंडिया को म्यांमार एक तरह से यूज़ करता है ठीक है फॉर अन अलायंस ऑफ आर्मी एंड एनएलडी ठीक है आर्मी और एन जो नेशनल लिब्रेशन डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पर है म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है इंडिया नीड्स अ डिफरेंट अप्रोच विद एथनिक ग्रुप्स अभी तो इंडिया इज़ यूज टू डीलिंग विद आर्मी एंड एनएलडी ठीक है अभी तो इंडिया सिर्फ इन दोनों से ही डील करता लेकिन, है लेकिन म्यन्मार में एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो अपना सर काफ़ी उठा रहे हैं इस बार तो अब इंडिया को अपनी जो अप्रोच है सिर्फ आर्मी और एनएलडी से डील करने की उसमें एथनिक ग्रुप्स को भी फैक्टर इन करना होगा ताकि अगर किसी स्टेट में म्यांमार के किसी प्रोविंस में कल को एथनिक ग्रुप्स जीत जाते हैं या एक राजनीति में एक से रखते हैं तो एथनिक ग्रुप्स इंडिया के एंटी ना हो पूरी तरह से क्योंकि इंडिया ने मजबूत बुरे टाइम में इन एथनिक ग्रुप्स का साथ नहीं दिया राइट right? बांग्लादेश के साथ इंडिया नीड्स अ न्यू नी� अंडरस्टैंडिंग विद पार्टीज़ हालाँकि सभी पार्टीज़ के साथ ज़रूरी नहीं है ठीक है कि हमारे अच्छे संबंध हो क्योंकि कुछ पार्टीज़ जो हैं प्रो पाकिस्तान भी हैं उनको आईएसआई से फंडिंग भी आती है ये सब चीज़ें भी हैं ठीक है थीके? लेकिन फिर भी इंडिया को जो क्या करना है सभी पार्टी से पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से बात करने की ज़रूरत है होगा क्या कि भाई इससे चाइना फैक्टर जो है या जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं आई आई जैसी जो कि वेट कर रही हैं कि इंडिया के लिए सिचुएशन बद से बदतर हो और वो इंटरफेयर करने लग जाएँ अब इन सारी चीज़ों के हालातों के बीच इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज रॉबर्स डेवलपमेंटल सपोर्ट बिकमिंग द बेड रॉक फॉर फोस्टरिंग क्लोजर रिलेशन इंडिया अपनी इकोनॉमिक एड इनको देते हुए आ रहा है तो ये एक मील का पत्थर बन जाता है इंडिया के लिए राइट इवन द तालिबान हैजिटेटेड टू अटैक इंडियन प्रोजेक्ट्स ओवर द लास्ट टू डेकेड्स बिकॉज दीज प्रोजेक्ट्स चाहे हॉस्पिटल हों स्कूल हों पार्लियामेंट हो इसने इन प्रोजेक्ट्स ने इंडिया के द्वारा जो लगभग टू बिलियन डॉलर्स पंद्रह हज़ार बीस हजार करोड़ रुपए वहाँ पे खर्च जो करे गए हैं उसकी वजह से लोगों को आम जन को जो फायदा मिल रहा है इस वजह से तालिबान की भी यह जरूरत नहीं हो रही कि उन प्रोजेक्ट्स को डेमोलिश करे ऑल दीज पॉइंट टू द फैक्ट दैट इंडिया रिक्वायर्स मोर सस्टेन एंगेजमेंट सस्टेंड एंगेजमेंट विद इट्स नेबर एंड इन द रीजन विच इज डिस्कवरिंग दैट वंस दीनी ऑफ अब इन इस इन देशों में पता क्या हो रहा है ये देश ये कड़वा तजर्बा देख रहे हैं कि अगर जो जीनी डेमोक्रेसी का जो जीनी है इलेक्शन जो पीरियोडिक होते रहते हैं अगर ये एक बार डिस्टर्ब हो जाता है ना दोबारा से इसको ट्रैक पे लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इंडिया के लिए भी ये दिक्कत है अगर इंडिया को एक सुपर पावर बनना है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर आप चीज़ें नहीं बहाल कर पा रहे हो तो आप सुपर पावर का सपना या विश्व गुरु का सपना कैसे लेजिटिमेटली देख पाओगे या उस पर रह पाओगे तो ये था दूसरा एडिटोरियल तो थर्ड एडिटोरियल की यदि हम बात करें तो ये एडिटोरियल बात करता है सूडान में जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है सूडान में दो आर्मी के ग्रुप्स बन गए हैं और वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं ठीक है क्योंकि दोनों आर्मी के ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं उनके अपने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन हैं कि कौन प्रेसिडेंट ऑफ़ सूडान बनेगा ठीक है और सूडान जो है वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन में आता है तो पहले वेस्ट एशिया रीजन को अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा वेस्ट एशिया रीजन जो थोड़ा डार्क ग्रीन में आप देख रहे हो ठीक है और ये जो है नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है वाना रीजन बोला जाता है ठीक है वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका तो जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हीं को ही ये बोला जाता है पहले तो ये समझना ज़रूरी है अब सूडान की यदि बात करें छोटा सा ये कंट्री है सूडैन आप यहाँ पर देख रहे हो ठीक है 2011 में सूडान और साउथ सूडान हो गया था ये और ये जो पॉलिटिकल रेवलरी या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं हम इस दौरान ये कोई नई नहीं, नहीं है नाइनटीन से सूडान की पॉलिटी में ऐसे लगभग पंद्रह सौ डेढ़ सौ ऐसे एथनिक कॉन्फ्लिक्स हो चुके हैं जो कि यूएन की हिस्ट्री में दर्ज हैं। अब फास्ट यहां पे बात करते हैं ट्रिकी क्वेश्चन क्या है हमें ये लगता है कि भाई वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन में सबसे ज़्यादा जो हुई है जिसकी वजह से जान माल का नुकसान हुआ है वो गाज़ा स्ट्रिप होगी प्राइमरी फैसाई हम ये ओपिनियन बना लेते हैं बट यूएन का यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का डेटा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सूडान में हुआ है कॉन्ट्रेरी टू परसेप्शन ठीक है कि गाजा में हुआ होगा ऐसा नहीं है हालांकि गाजा में सेंसेशनलाइज ज़्यादा हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सूडै आर्म्ड फोर्सेस लेड बाय जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान ठीक है एंड रैपिड सपोर्ट फोर्सेस लेड बाय जनरल मोहम्मद हमदान डगालो तो ये डगालो ये बोलते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा ठीक है और बुरहान अल बुरहान ये बोलते हैं कि मैं प्रेजिडेंट बनूंगा तो सूडान आर्म्ड फोर्सेज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच में फ़ाइट चल रही है ठीक है तो इनको हिमायती के नाम से जाना जाता है माई प्रोटेक्टर जैसे होता है ना ये मेरा हिमायती है तो इन दोनों के पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से सूडान की लोग जो जनता जो है उनका नुकसान हो रहा है एस्टिमेट्स तो अलग अलग चीज़ें कहती है लेकिन लगभग डेढ़ लाख डेथ्स हो चुकी हैं लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और लगभग टेन मिलियन यानी कि एक करोड़ लोग जो हैं पॉपुलेशन जो ट्वेंटी परसेंट सूडान की जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं घर से बेघर हो चुके हैं और टू पॉइंट फाइव मिलियन यानी कि पच्चीस लाख लोग वो अब्रॉड भाग गए हैं सूडान को छोड़ के हालांकि सूडान गोल्ड में क्रूड ऑयल में काफ़ी रिच है नाइल रिवर के बारे में आपने सुना है सूडान की ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस जो कि इजिप्ट तक तेल पहुंचाती हैं ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी इरिगेटेड एग्रीनियर लैंड होने के बावजूद भी आज सूडान के लोग फूड को एक्सपोर्ट करना उनको पड़ रहा है ठीक है मेजर फेमिन के चांसेस वहाँ पे हो चुके हैं क्योंकि सिर्फ दो लीडर्स अब देखो इसके लिए ना वेस्टर्न वर्ल्ड को जिम्मेदार ठहराया जाता है हमारे इंडिया को भी जब आज़ादी दी तो इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट करा दिया और यहाँ पे भी जब जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अफ़्रीकन वेस्ट एशियन कंट्रीज़ भी हैं खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ लिब्या टूनीशिया सूडान इनमें अपने पपेट्स लगा दिए चेले चमचे लगा दिए ताकि ब्रिटिश पेट्रोल जैसी कंपनीज़ जर्मनी की इटालियन कंपनीज़ ये जो इन कॉलोनियल रूल जो चल रहा था यहाँ पे इन कंपनीज़ को इन देशों को अभी भी लूट चाहे वो हीरे हों डायमंड्स हों चाहे वो गैस हो क्रूड ऑयल रिजर्व हों गोल्ड हो उसका फ़ायदा वेस्टर्न कंट्रीज़ को मिलता रहे यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी को बहाल नहीं किया गया राइट उस वजह से इन कंट्रीज़ में ये सिविल रिफ्ट देखने को मिलता है हम जैसा कि देखते रहते हैं टाइम टू टाइम कभी सूडान है कभी यमन है कभी कोई और कंट्री तो ब्रॉडली फिनोमिना को समझना भी ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वाई डिस्पाइट बीइंग रिसोर्स रिच द अफ्रीकन रीजन नॉर्थ अफ्रीकन रीजन इज अनएबल टू डेवलप इट ठीक है और ला अब सूडान की इन देशों की अपनी दिक्कत पता है क्या है यहाँ पे एथनीसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जैसे इंडिया डाइवर्स है वैसे ये कंट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं ठीक है थीके? तो सिविल स्ट्राइफ यहाँ पे इतनी बार हो चुकी है कि पंद्रह बार मिलिट्री कूप्स हो चुके हैं यानी कि तख्ता पलट हो चुका है मिलिट्री कू यहाँ पे हो चुके हैं टू सिविल वॉर्स हो चुके हैं डेढ़ मिलियन पंद्रह लाख लोगों को मारे जाने का जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो दर्ज है ठीक है फाइनली सूडान और साउथ सूडान को अलग होना पड़ा 2011 में और लास्ट बीस सालों की यदि बात करें कॉन्फ्लिक्ट इन दैस वेस्टर्न रीजन ऑफ दरफूर अब आपसे यूपीएससी ये पूछ सकता है कि दरफूर रीजन कौन सा है तो यहाँ पे आप देख रहे हो दरफूर रीजन यहाँ पे दिस इज़ द दरफूर रीजन वेस्टर्न रीजन जैसे हमारा गुजरात है ना वैसे यहाँ पे दरफूर रीजन तो ये दरफूर यहाँ पे लिखा है इसको मैप में एक बार देख लोगे तो दरफूर रीजन हैज़ बीन वेस्ड बाय इन फेमस जंजावीर मिलीशिया ठीक है तो ये यहाँ पे जंजावीर मे बी शायद मेरी प्रोनंसिएशन गलत हो जंजवीड मिलिशिया आर का प्री है जो आर जो मिलिट्री ग्रुप बनाया ना उससे पहले जो इसका नाम था वो जंजवीड मिलिशिया था ठीक है अगेंस्ट दी लोकल नॉन अरब मुस्लिम्स तो इनका टारगेट क्या है जो नॉन अरब मुस्लिम्स हैं उनको एथनिकली क्लींस करना यानी कि उन लोगों को घर से पकड़ पकड़ के निकाल के मारना ताकि यहाँ की जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो नॉन अरब मुस्लिम्स हो जाएं, दो लाख लोगों को इन्होंने मारा है और दो मिलियन बीस लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया कि आप यहाँ से छोड़ के निकल जाओ तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं अब करंट क्राइसिस कहाँ से पैदा हुआ हमने ये देख लिया कि भाई पास्ट में ऐसा होता हुआ आ रहा है करंट क्राइसिस यहाँ से शुरू होता है कि तीस साल की जो ऑटोक्रेसी थी अमर हसन अलबीर की ही वॉज ओवर थ्रोन इन अ मिलिट्री कू इन टू आफ्टर मंथ्स ऑफ पॉपुलर प्रोटेस्ट्स अब वो लीडर तो चला गया लेकिन अगर सत्ता सही हाथों में नहीं आई तो ऐसा होता है अब उनके जाने के बाद डिक्टेटरशिप के हटने के बाद एक ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल बनाई गई जिसके लिए कुछ अग्रीमेंट समझौते भी साइन करे गए सिटीजनस ग्रुप के टू क्रिएट अ जॉइंट मिलिट्री सिविलियन सॉवरेंटी ठीक है कि सेल्फ रूल हो जाएगा सॉवरेंटी हो जाएगी लेकिन जॉइंट मिलिट्री सिविलियन सॉवरेंटी काउंसिल बना दी जाएगी और एक नया संविधान बनाएंगे जिसके तहत फिर इलेक्शन होंगे मिलिट्री प्लस सिविलियंस दोनों का एक गठबंधन लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं चला ठीक है कोहैबिटेशन होता नहीं है सिविलियन के पास बंदूक नहीं है मिलिट्री के पास है ठीक है तो ये क्या हुआ दो साल के बाद 2021 में ख़त्म हो गया फिर दोबारा से आर्मी मिलिट्री ने कूप कर लिया अक्टूबर 2021 से यहाँ पे डिक्टेटर मतलब आर्मी के देखरेख में चल रहा है सूडान अब यहाँ पे क्या हुआ जनरल अल अल बुरहान और जो दूसरे हमने हिमायती का नाम देखा ये दोनों के अपने पॉलिटिकल एम्बिशन हो गए कि भाई मैं राष्ट्रपति बनूंगा और वो बोलता है मैं बनूंगा तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट अपनी जगह चल रहे हैं सिविलियन रूल जो है लोग मांग रहे हैं कि सिविलियन रूल होना चाहिए आर्मी के दोनों लीडर गलत हैं लेकिन हो क्या रहा है इंटरनेशनल प्रेशर भी आ गया और ये कहा गया कि एक पावर शेयरिंग फ्रेमवर्क हो जिसमें दोनों लीडर्स को जगह मिल जाए लेकिन ऐसा होगा नहीं ठीक है एक म्यान में दो तरवारें नहीं रह सकती तो ये भी एक्सपेरिमेंट काम नहीं करा साइमल्टेनियसली आर एस एफ ने रिजेक्ट कर दिया एक आइडिया दिसंबर 2022 में जो कि ड्राफ्ट फ्रेमवर्क बनाया गया टू इंटीग्रेट इन टू आर्मी आर एस एफ ने यह कहा कि हम सडानीज़ आर्मी में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनका कहना यह है कि सैफ जो है वो उनको फिर इंटेग्रेट क्या उनको मतलब डोमिनेट कर लेगा ठीक है आर एस एफ के पास एक लाख वेल आर्म्ड फाइटर्स हैं जबकि एस ए एफ जो है सुडैनिस आर्म्ड फोर्स जो है उनके पास तीन लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी है तो आर एस एफ को ये कहा जा रहा है कि आप इसमें मर्ज हो जाओ आर एस एफ के लीडर ये कहेंगे कि मैं क्यों मर जाऊंगा ऑन गोइंग मे हेम हैज कम्प्लीटली ड्राउंड दी रीज़न मतलब यहाँ पर जो लॉजिक होता है ना उसको डिफाई कर रही हैं दोनों साइड्स अब सिविलियन रूल जो है वो हो ही नहीं सकता ऐसी सिचुएशन में डिमांड क्या थी कि भाई सिविलियन रूल होगा डिक्टेटर को हटा देंगे डिक्टेटर चला गया आर्मी के दो लीडर्स सिविलियन रूल की तो बात ही छोड़ो वहाँ पे कोई एक तरह से के की सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हो चुकी है पिछले सोलह महीनों से सिविल वॉर चलते हुए आ रहा है और लोग मरते मरते जा रहे हैं अब यहाँ पे बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सूडान की उनका क्या रुख है राइटर ने इसके बारे में भी बताया तो यूपीएससी में क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि भाई दरफूर रीजन कहाँ है ठीक है पोर्ट सूडान कौन सी सी में ओपन कौन सी सी में लोकेटेड है रेड सी की तरफ लोकेटेड है अब सूडान के नेबर्स देखोगे इजिप्ट वाइट नाइल और ब्लू नाइल कहाँ पर कौन से नाले पर जाके मिलती हैं ठीक है ठीके? ये कौन सा लेक है तो हिंदी में नाला बोलेंगे ठीक है वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल दे मीट एट विच लेक यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दी कॉमेंट सेक्शन तो छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूँ और सुडान की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अब यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी एस एफ जो है ग्राउंड लेवल पर डोमिनेट नहीं कर पा रहा एस ए एफ जो दरफूर रीजन में डोमिनेंट है लेकिन आप ये कलर से देख सकते हो जो मरून कलर है वो वहाँ पे आर एस एफ डोमिनट है और जो एस एस ए एफ़ है साउथ सूडानियन जो आर्मी है आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इस साउथ ईस्टर्न पार्ट में डोमिनेंट है ठीक है आप देखते हो साउथ ईस्टर्न पार्ट में ठीक है तो ये जो वेस्ट साउथ वाला जो पार्ट हो गया वहाँ पे आरएसएफ है अब मिलिशियाज़ की गिरफ्त में ये वाला जो एरिया जो ग्रे एरिया आप देख रहे हो ये पूरा मिलिशियाज के पास है 2023 का ये मैप था आर एस एफ हैज़ हैड सक्सेस इन दी साउथ सेंट्रल ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो मैरून ये इनकी गिरफ्त में है तो कैपिटल खारतूम से एस एफ को जो ऑफिशियल मिलिट्री है तीन लाख स्ट्रॉन्ग जो मिलिट्री है जिनके पास एयर फोर्स और सब कुछ है उनको खारतूंग से हटके पोर्ट सूडान की तरफ जाना पड़ा अब पोर्ट सूडान इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये मेन गेटवे ऑफ गुड्स है यहीं से फूड और फ्यूल और डेली नेसेसिटीज़ सूडान में एंटर होती हैं ठीक है थीके? तो पोर्ट सूडान के ऊपर कब्जा है एसएएफ का तो ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए अब इस वजह से क्या हुआ फॉरेन इंटरेस्ट यहाँ पर डोमिनेट हो रहा है क्योंकि सूडान मैंने बताया कि रिसोर्स रिच है ठीक है लैंड बॉर्डर इसका जो है सेवन कंट्रीज़ के साथ में लगता है जैसे आप देख रहे हो इथियोपिया एरिट्रिया इजिप्ट लिबिया शड देन सी ए आर तो ये सारी चीज़ें सुडैन का जो बड़ा भाई है एक तरह से यहाँ पे देखो इजिप्ट जो है वैसे कहने को सुडैन का भाई माना जाता है ठीक है वो एस एफ को सपोर्ट कर रहा है ठीक है और ईरान भी एस एफ को सपोर्ट कर रहा है इजिप्ट का जो आर्क एनिमी है हालांकि इसीलिए इनको कहा जा रहा है स्ट्रेंज बेड फेलोज इजिप्ट और ईरान एक आई टू आई नहीं देखते वैसे लेकिन दोनों यहाँ पे एस को सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत एक पता होना चाहिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इस आर्टिकल की रशिया का जो वैंगर ग्रुप है वो आर को सपोर्ट करता है लेकिन रशिया की जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मतलब जो गवर्नमेंट है वो एस को सपोर्ट क, ये दबाव डाल रही है कि नेवल बेस उनको रशिया को दे दिया जाए पोर्ट सोडैन में यानी कि रशिया क्या कह रहा है कि जल्दी में घी नहीं डालेंगे लेकिन जल्दी में अपने हाथ सेक रहा है रशिया कि तुम हमें पोर्ट उडान दे दो तो हम तुम्हारी तरफ हो जाएंगे एस को यह कहा जा रहा है यू जो है आर को सपोर्ट कर रहा है यू जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ठीक है सप्लाइंग इट विद वेपन्स एंड लॉन्ड्रिंग इट्स गोल्ड अब यहाँ से गोल्ड स्मगल करके यू अपना ये भी हाथ सेक रहे हैं जल्दी में ठीक है छड एंड लिबियाज जनरल खलीफा हफ्तार हैव ऑल्सो एंकर्ड आर तो ये जो रीजनल कंट्रीज हैं नेबरिंग कंट्रीज हैं ये इस तरह से रुक ले रही हैं ठीक है थीके? इथियोपिया एरिट्रिया आर वेटिंग इन विंग्स कि ये कब गिरें और हम यहाँ कर प्लंडर करें इनको ठीक है तो जनरल बुरहान हैज़ अर्न सम ब्राउनी पॉइंट्स बाई री इस्टैब्लिशिंग नॉर्मल टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स तो एस जो है वो यू के साथ में टाइज़ को री इस्टैब्लिश करके कुछ ब्राउनी पॉइंट्स कुछ अपनी लेजिटीमेसी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर तो ये सऊदी अरेबिया यू इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट इगार्ड जो है इगत जिसे बोला जाता है ठीक है अफ्रीकन यूनियन इन्होंने सीज़ फायर के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो पाया तो ये था ये एडिटोरियल अब इसमें इंडिया ने इंडिया का क्या इंटरेस्ट है देखो यहाँ पे कि इंडिया ने अपने नेशनल्स को तो वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया हमने ऑपरेशन लगाए जो भी करा ठीक है इंडिया की डायरेक्ट ट्रेड जो है वो टू ज़ीरो थ्री फोर मिलियन पहुँच गई थी अभी दो हज़ार बाईस तेईस में तो हमारी ट्रेड भी सफ़र करेगी उसके साथ साथ इट वॉज नाइन इज़ टू वन इन इंडियाज़ फेवर जो ट्रेड है जैसे विद अ लार्ज मार्केट फॉर शुगर सुडैन को इंडियन शुगर के लिए एक अच्छा मार्केट माना जाता है और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए पेट्रोल और डीजल के लिए हालाँकि सूडैन के पास कच्चा तेल बहुत है लेकिन रिफाइनिंग कैपैसिटी ना होने की वजह से इंडिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करता है सुडैन ठीक है देर वर ऑल्सो सबस्टैंडिव इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स वाया ई एंड सऊदी अरेबिया 2003 में इंडिया ने अपना फर्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट करा था अपस्ट्रीम सेक्टर में यानी कि कुएं से ऑयल निकालने के लिए जो अपस्ट्रीम सेक्टर होता है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सुडानैनान में 2.3 बिलियन डॉलर का लगभग बीस हज़ार करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट हो गया इंडिया के प्रेसिडेंट ए पी जे अब्दुल कलाम ने विजिट करा था ये इंडिया सुडैन रिलेशंस के लिए थोड़ा बहुत जानकारी आपके लिए ज़रूरी है थैंक्स टू दी स्टूडेंट्स एंड मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम सुडानैनान पीपल टू पीपल टाइज हैव रिमेन स्ट्रॉन्ग तो ये छोटा सा एक आर्टिकल इसके ऊपर था ठीक है बाकी के एडिटोरियल्स के अलावा न्यूज़ आर्टिकल्स हम कल से स्टार्ट करेंगे बट अब एडिटोरियल एनालिसिस चालू रहेगा डेली मेन्ज आंसर राइटिंग गाइडेंस के लिए आप YouTube कम्युनिटी पोस्ट में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जे वी आई एस टेन आप जाके सारी जानकारी ले सकते हो ठीक है जैसा मैंने आपको बताया कि जो जे वीज़ एडू ऐप है जो नया ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें कोई भी ग्लिचेस वगैरह ना आए इस पर आपको डेली मेन्ज आंसर के जो क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे ठीक है और इसी के साथ साथ आपको प्रिलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और वीकली करंट अफेयर्स का जो टेस्ट रहेगा वो भी एंड इसी के साथ साथ और भी जो रिकॉर्डेड कोर्सेज़ हैं चाहे सी सैट आपका वीक है तो एक बहुत ही लो प्राइस में आप इन कोर्सेज़ को पा सकते हो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा इसका पी भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा इन दी पी फॉर्मेट जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन के डाउनलोड सेक्शन से तो ये डेली बेसिस पे इस तरह से रहेगा और अर्ली मॉर्निंग सात बजे तक साढ़े छः सात बजे तक डीएनए अवेलेबल होगा थैंक यू इट वज़ अ प्लेजर टीचिंग यू गाइज इसी तरह से डेली हम एडिटोरियल एनालिसिस करते रहेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का थैंक यू